नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें उड़ीसा पीसीएस जो आज हुआ था 25 नवंबर को, उसकी पूरी आंसर की देखेंगे हम। हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजा ये पेपर, 100 क्वेश्चन थे जीएस के। आप अगर ये पूरा पेपर देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि जो हमारी यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ है वो अभी तक काम आ रही है, और प्लस जो टोटल करंट अफेयर था काफ़ी सारे, 100 में से करीबन 70 से 80 क्वेश्चन थे जो लगातार मतलब डायरेक्टली आए हैं। चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है देखिए ये पिक थोड़ी क्लियर नहीं है, इसे थोड़ा जूम करके देख लेंगे, और ये इंग्लिश में ही भेजी गई, हमारे पास हिंदी का नहीं है, तो जो भी है मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जुलाई को, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर है बी। सेकंड है कि विच स्टेट गवर्नमेंट, किसने ये आई हरियाली जो है ऐप लॉन्च किया था, ये किया था आपका किसने? सेकेंड वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखिए, इसका आंसर है करेक्ट पंजाब, यानी कि सी। ये डायरेक्टली करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। फिर देखिए, ये कौन सा स्टेट ऐसा है इंडिया में जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? ये मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि किस स्टेट के पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट के पास नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट के पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे ज़्यादा है, किस स्टेट के पास टाइगर रिजर्व, एक एक चीज़ बताई गई है ये। अगर आप बताइए कमेंट करके, आपको याद है कि नहीं तो याद है तो बताइए जल्दी से कमेंट करके। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है इसमें कि हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद, ये 2018 का जो श्री जयदेव राष्ट्रीय युवा प्रतिभा अवार्ड जो है ये किसको मिला है? ये मिला है आपका अनिंदिता अनम को, ठीक है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फोर्थ का ए है ये। फिफ्थ का है, कौन सी इंडियन अमेरिकन पर्सनैलिटी ऐसा पहला फर्स्ट मतलब पहला साउथ एशियन बन गया है जिनको कि ओरेगन में इलेक्ट किया गया है, ये कौन बन गया है? फिफ्थ का करेक्ट आंसर है सुशीला जयपाल, ठीक है। ये भी करंट का क्वेश्चन है। सी वी राजेंद्रन, ये क्या थे? ये डायरेक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री के। सिक्स का है बी, ठीक है। फिर ये कज़ुओ इशिगोरी, इन्होंने ये किस चीज़ के लिए फेमस थे? नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर 2017 का। फिर ये है आपकी चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपकी असम में, ठीक है, एट का ए। फिर नेक्स्ट है इसमें कि कौन सी कंट्री ने अभी साउथ चाइना सी के पार्ट को रीनेम करके नॉर्थ नटुना सी बना दिया है? वो है आपकी इंडोनेशिया, तो नाइन्थ का करेक्ट आंसर है ए। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन है, कौन सा है स्टेटूट, देखिए ये क्वेश्चन तो गलत है, ये मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि ये स्टेटूटरी बॉडी नहीं, यहाँ पे होना चाहिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि संवैधानिक संविधान संस्था कौन सी नहीं है, ये आपका होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये है, वैसे इसका आंसर फिर सी होना चाहिए, वैसे ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्योंकि ये नीति आयोग तो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से है, बाकी ये तीनों तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें एक्ट है उनके थ्रू क्रिएट की गई है। इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है कि कौन सी इंडियन पर्सनैलिटी थी जिसको पब्लिक पॉलिसी फेलो जो है ये वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स में चुना गया था? निरुपमा रॉय, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे ये मनाया जाता है 1 जून को, ठीक है। फिर ये हेडक्वार्टर यूनेस्को का कहाँ है? तो मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन है ये एसएससी वाले, पेरिस में है ये। 2014 का ओलंपिक गेम कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। कौन सा कमीशन था ब्रिटिश के दौरान जिसने कि फेमाइन कोड को प्रिपेयर किया था? वो था स्ट्रेचे कमीशन। नेक्स्ट है इसमें जो आपका सेशन हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 31 दिसंबर 1928 को हुआ था, इसको किसने हेड किया था? इसको किया था हेड आपका आगा खान ने हेड किया था, ठीक है। हिस्ट्री का नॉर्मल से सिंपल से क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राजपूत के टाइम पे ये विनय स्थिति स्थापक ये किसको बोला गया? मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था यहाँ पे 17 का, मेरे हिसाब से होना चाहिए यहाँ पे सी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है लेकिन फिर भी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये किसने किया था? ये किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। किस सेशन में जो है कांग्रेस ने इंडियन स्टेट्स के लिए अपनी पॉलिसी पहली बार बताई थी? ये यूपी पीसीएस 2015 का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, नागपुर सेशन है इसका आंसर। ऑथर ऑफ द बुक कौन है ये? द प्रॉब्लम्स ऑफ द ईस्ट, कर्जन था इसका ऑथर, ठीक है। इसका आंसर है सी, ठीक है। 20 क्वेश्चन का आंसर है सी। 21 में है कि आपका कंटिन्यूसली सेल्फ रूल जो है किसने ये बोला था? ये दादा भाई नौरोजी ही इसका ऑप्शन होना चाहिए, 21 का डी होना चाहिए। हिंदू पेट्रॉयड जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये जो देखिए एडिटर कौन थे इसके, श्री हरीश चंद्र मुखर्जी, और ये किस इसने क्या हेल्प की थी कब? इंडिगो रिवोल्ट के टाइम पे की थी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है, ये नहीं मिल पाया मुझे। इसमें पूछा है कि अबुल फजल ने जो लिस्ट की थी
अकबर के कोर्ट के लिए म्यूजिशियन की, उसमें किसको ड्रॉप कर दिया गया था ये नहीं मिल पाया, अगर आपको किसी को पता हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, एक दो क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। कौन सा यूरोपियन नेशन है जो कि प्रेस लाया था, प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में, ये हैं आपके पुर्तगीज थे। 25 का है दीवाने अमीर कोठी, ये किससे एसोसिएटेड है, मोहम्मद बिन तुगलक से एसोसिएटेड है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि अथर्ववेद को पर्शियन लैंग्वेज में मुगल पीरियड में किसने ये आपका ट्रांसलेट किया था, इसका आंसर है 26 का आपका बी, ठीक है। तो 26 का करेक्ट आंसर है बी, हाजी इब्राहिम सरिंदी। 27 है तिबागा मूवमेंट, ये बंगाल से है ये, ठीक है, 27 का है आपका डी। 28 में है कि आपका ये कौन जो है हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट हुआ था, दादा भाई नरोजी 1890s के टाइम पे। लीस्ट कॉस्ट जो अप्रोच है ये किससे एसोसिएटेड है, ये है आपकी अल्फ्रेड वेबर से, बी है इसका आंसर। प्राइमरी एक्टिविटी कौन है, ये माइनिंग है, नॉर्मल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। प्राइमरी एक्टिविटी वही होती है, प्राइमरी एक्टिविटी जो नेचर से हम डायरेक्टली अगर कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं वो है प्राइमरी, और फिर उसमें कुछ मतलब वैल्यू एडिशन करके बेच देते हैं वो है सेकेंडरी, और इस प्राइमरी से सेकेंडरी करने में जो हेल्प करती हैं चीज़ें वो होती हैं टर्सरी। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे आपने गेहूं उगाया, ठीक है, तो उगाना जो है एग्रीकल्चर हो गया प्राइमरी, ठीक है। गेहूं से आपने आटा बना के बिस्कुट विस्कुट बना दिया कुछ, वो हो गया सेकेंडरी, और जो इसमें बीच में जो भी एक्टिविटी ने सपोर्ट किया कि गेहूं को ट्रांसपोर्टेशन, और ये जो मतलब मान लीजिए उसने लोन लिया किसान ने, जो दुकानदार ने लोन पे क्रेडिट पे लिया, ये सब आ गई टर्सरी में, ठीक है। हॉर्टिकल्चर कहाँ पे है, ये मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ए, ठीक है, मेडिट्रेन रीजन, हालांकि थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन मेडिट्रेन में अगर आप देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मेरे हिसाब से यहाँ पे ए ही जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे बड़े कन्फ्यूजिंग से हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स विद इक्वल क्लाउड कवर, इसको क्या बोलते हैं, आइसोनेफिल करके लाइन, आइसोनेफ, बी ए इसका आंसर। 33 का है लोकेशन जो है साउथ सुगर इंडस्ट्री की है, अगर आप देखें नॉर्थ इंडिया में है वैसे अभी भी, लेकिन साउथ इंडिया की तरफ मूव करती आ रही है, किस लिए, हाई यील्ड और हाई सुगर कंटेंट की वजह से। बताइए सुगर में नंबर वन प्रोडक्शन में कौन है, और सुगर केन में नंबर वन प्रोडक्शन में कौन है, कौन सा स्टेट है ऐसा। नेक्स्ट है इसमें लेबन सरम, ये जो है किसने क्वाइन किया था, इसका आंसर है डी, ठीक है, रेडजेल। फिर नेक्स्ट है इसमें कि आपका जो स्प्रेड होता है कल्चरल जो ट्रेड्स होती हैं एक रीजन से दूसरी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कल्चरल डिफ्यूजन ही होना चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है इसमें देखो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, अच्छा एक बात ये समझ लीजिए, यहाँ पे ये जो आपको ये पिक चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, और प्लस बहुत सारा और भी फ्री मटेरियल मिलता रहता है यहाँ पे, प्लस यूट्यूब में अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे के सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आते हैं, यूट्यूब में नहीं आते हैं, ठीक है। फिर चलो आगे देख रहे थे हम लोग। नेक्स्ट है इसमें ये 36 में वन बेल्ट वन पॉलिसी, जो वन रोड पॉलिसी, ये चाइना से रिलेटेड है, तो हमेशा न्यूज़ में रहता है। मेजर अगर आप डिवीज़न देखेंगे एग्रीकल्चरल रीजन का, ये किससे रिलेटेड है, विट से, विटलिसी से रिलेटेड है ये। कौन सा इनकरेक्ट है, इसका आंसर होगा डी, ठीक है, 38 वाले का डी है, ये डिपोजिशनल फीचर नहीं है, ये हैंगिंग वाली, ये भी इरोजनल फीचर ही है ये। नेक्स्ट है इसमें ज्योग्राफिकल जो ये सॉरी जो प्रोसेस जो अर्थ की सरफेस को शेप करती है उसको बोलते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, तो 39 का है डी। नेक्स्ट इसमें है आपका यू शेप्ड जो वैली होती है 40, इसका आंसर है ए, ठीक है, ये किससे फॉर्म होती है, ग्लेशियर से। नेक्स्ट है इसमें 41 का मिस्ट जो है, ये आपका 41 का आंसर हो जाएगा इसमें ए, कंडेंसेशन से के रिजल्ट में बनती है। पेनिनसुलर रिवर पूछी है इसमें, घाघरा नहीं है इसमें पेनिनसुलर, तो 42 का है ए, बाकी सभी पेनिनसुलर रिवर हैं। नेक्स्ट है इसमें दिनेश गोस्वामी कमिटी की रिकमेंडेशन कौन सी नहीं थी, ठीक है, नॉट द रिकमेंडेशन लिखा है, पहली दूसरी टाइम लिमिट तो थी ये कि टाइम लिमिट होना चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए डिपॉजिट में इंडिपेंडेंट के, ये वाला नहीं था इसमें, तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला होगा, वोटर काउंसिल वाला ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। 44 में कंकरेंट लिस्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे खोज के, तो ये कैपिटेशन टैक्स वाला नहीं है, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है क्योंकि इतने 50 के आसपास सब्जेक्ट हैं वहाँ पे, 50 52 से सब तो कम कर दिए गए हैं, तो बताइए एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं कंकरेंट लिस्ट में और यूनियन लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में, उनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। 44 का डी है। नेक्स्ट है इसमें कि कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, देखिए ये तीनों हैं लेकिन ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है, ठीक है, तो ये वाली नहीं है बस।
तो 45 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। बाकी जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन तो केयर टेकर ही लेगी, बाकी जो डे टू डे डिसीजन होते हैं वो प्रेसिडेंट ले सकते हैं। ये है डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशनरी मतलब अपने आप जो ले सकते हैं, ठीक है, अपने विवेक अनुसार। 46 का है इसमें करेक्ट आंसर, आप अगर इसमें देखेंगे सी है इसका आंसर, आर्टिकल 343 है। देखिए ये आजकल बड़ी बात चलती रहती है साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए, तो 1952 से जब चालू हुआ था तो पहले साइमल्टेनियस ही होते थे ये, और ये 52, 57, 62 तीनों में होते, 71 में नहीं हुए थे। इसका आंसर है बी, ठीक है। फिर 48 का है कौन सा स्टेट जो है वो, ये वाला क्वेश्चन पता नहीं क्या अजीब सा क्वेश्चन है। अब सेकेंड शेड्यूल जो है वो तो सैलरी वैली जो है जितने भी जो डिग्निटरीज हैं उनको मतलब मेंशन करता है, यहाँ पे ये पूछना कि कौन सा स्टेट नहीं, ये थोड़ा सा अजीब है। मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन गलत है, मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इमोलूमेंट्स जो हैं वो सभी यहाँ पे डिफाइंड है। स्टेट का क्या मतलब है यहाँ पे? जीएसटी बिल तो मतलब रटा होगा आपको, इतने बार हम लोगों ने ये सब चीज़ डिस्कस की हैं। बिल नंबर 122 और एक्ट नंबर 101 ए है इसका आंसर। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और राइट टू प्राइवेसी, ये भी मैं पूछ चुका हूँ, कई बार पूछ चुके हैं ये सब। राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में ही आया है। कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है बार बार कई सारे केसेस में इंटरप्रेट कर करके कई सारे राइट्स को राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि आर्टिकल 21 में घुसाती जाती है। 21 आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका इंटरप्रिटेशन होता रहता है। 51 का है नेशनल गुड्स पॉलिसी, अगर आप देखें इसमें सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो मतलब थोड़ा सा लॉजिकल लग सकता है कि इम्पोर्ट को तो कोई भी पॉलिसी है हालांकि नहीं प्रमोट करेगी, तो इसमें यहाँ पे सी है इसका आंसर। कौन से स्टेट में 35A, ये बार बार न्यूज़ में आता है इसीलिए पूछा, जम्मू कश्मीर डायरेक्टली क्वेश्चन है हमारी टेस्ट सीरीज से। नेक्स्ट है इसमें 26 अमेंडमेंट जो हुआ था प्राइवेट पार्ट्स इसमें ख़त्म कर दिया गया था, इसमें आपको पूछा है कौन कौन से जो है ये रिपील कर दिए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है 53 वाला है इसका आंसर है ए, 291 और 362। नेक्स्ट है इसमें मिशन सत्यनिष्ठा, देखिए ये करंट अफेयर हमारे क्वेश्चन है, रेलवे का है ये मिशन, मैंने सब बताया हुआ है इसमें। प्रमोशन और डेवलपमेंट जो है माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस का, अगर आप देखेंगे तो किस पॉलिसी के अंडर में आएगा, देखिए ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसका बी होना चाहिए, मेक इन इंडिया पॉलिसी का, क्योंकि अगर आप एमएसएम इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे तो ओवरऑल मेक इन इंडिया ही प्रमोट हुआ, यहाँ पे स्किल इंडिया वाला कोई यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और बाकी तो इससे रिलेटेड ही नहीं है, बस बी और सी में कन्फ्यूजन हो सकता है, मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। 56 का है, अब देखिए ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है कि कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज अ पार्ट ऑफ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, तो ये तो सेवोत्तम ही होगा, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल है यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें कौन कितने नंबर ऑफ स्टेट कवर है, ये वाला थोड़ा मुझे लग रहा है शायद गलत क्वेश्चन है, अगर आप पेसा की साइट पे जाके भी देखेंगे तो 10 ही लिखा हुआ है वहाँ पे, यहाँ पे ये कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है 10 वाला, या फिर आप बता दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये IMF ही करता है, तो 58 का जो है यहाँ पे आपका ए ही है ये, ठीक है। और 59 का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर नाउ कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट परसेंटेज टूवर्ड GNP, ये तो सर्विसेज ही होगा, एम्प्लॉयमेंट की बात होती तो भले ही यहाँ पे एग्रीकल्चर हो जाता, अभी तो यहाँ पे सर्विसेज ही होगा, ठीक है। OTCI क्या है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, ये इंडियन शेयर मार्केट का पार्ट है। नेशनल इनकम को कौन एस्टिमेट करता है, ये CSO है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इंटरेस्ट रेट को अगर लोअर करना है तो RBI को क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर इसमें लॉजिकल थोड़ा समझे, अगर RBI सिक्योरिटी को बाई कर लेगा तो इसका मतलब है कि RBI पैसे देगा मार्केट में और जो सिक्योरिटी है वो ले लेगा, तो जब पैसे आएगा तो मनी फ्लो बढ़ जाएगा और जब मनी फ्लो बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है, यही होता है ना। जब RBI ये जो टूल है ये डियर मनी पॉलिसी वाला और ये वाला जो जितने भी टूल हैं, अगर पैसा बढ़ाना है तो सिक्योरिटी खरीद लेगा, अगर पैसा घटाना है तो सिक्योरिटी बेच देगा, क्योंकि बेच देगा तो पैसे ये लोग दे देंगे, तो पैसा चला गया RBI के पास तो इकोनॉमी से ख़त्म हो गया, यानी कि लिक्विडिटी कम हो गई, तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है, ये 62 का ए होना चाहिए। ग्रेशम लॉ वाला जो है इसमें मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, गुड मनी जब होल्ड की जाती है इसमें बोलते हैं कि बैड मनी आउट जब वेन कम्स तो ये क्या करती है गुड मनी को कम कर देती है, लोग गुड मनी को होल्ड करने लगते हैं एक्चुअली कि बैड मनी को ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। 63 का ए है, मिक्स इकोनॉमी नॉर्मल क्वेश्चन है ये, कोएग्जिस्टेंस होता है, ये बी है इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है इसमें एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या मतलब है, इसमें मेरे हिसाब से बी ही होना चाहिए, पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, इंटरप्रिटेशन है वैसे यहाँ पे। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया की बुक है, ये एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, ये थोड़ा सा बोलना थोड़ा टफ है,
एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, तो 66 का है यहाँ पे ए। फिर उसके बाद 67 का नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्यों किया जाता है, मेरे हिसाब से तो सी होना चाहिए, कंसोलिडेट करने के लिए इकोनॉमी को। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, जिनेवा में है स्विट्जरलैंड में। फिर ये हिंदू ग्रोथ रेट, ये बड़ा न्यूज़ में आता रहता है कई बार, 1950 से 1980s तक जो है ग्रोथ कम हुई थी, उसी को बोलते हैं हिंदू ग्रोथ रेट, ठीक है। और ये बताइए टर्म किसने दिया था, ये एक नाम है बड़ा फेमस सा नाम है, याद होना चाहिए आपको, गिल्ट एज सिक्योरिटी, मतलब वही गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आंसर है बी इसका। नेक्स्ट है इसमें रोस्टो जो थ्योरी है इकोनॉमिक ग्रोथ की, इसमें उसे मुझे कन्फ्यूजन है, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन जहाँ तक समझ में आया मुझे तो ये डी होना चाहिए, इसमें सभी करेक्ट होने चाहिए। क्लीनेस्ट सिटी तो इंदौर ही है दोबारा, 2 साल लगातार, ये आप जानते ही हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट है इसमें मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ये वाला मैंने सब बताया हुआ है एनवायरमेंट की सीरीज में, 2 हैं, एक है केवला देव नेशनल पार्क और एक है आपका लोकटक लेक, जो अभी इंडिया की तरफ से साइट है, चिल्का लेक थी पहले, अब हटा दी गई है, ठीक है। तो 73 का ए है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट है इसमें कि कौन सी मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों का गलत हुआ होगा, क्योंकि ये वाटर वेपर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। नेक्स्ट है इसमें कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर सल्फर ऑक्साइड पोल्यूशन का क्या होता है, लाइकेंस होते हैं ये। नेक्स्ट है इसमें 76 में ऑयल स्पिल को अगर आप देखें, इसमें जो जैसे हो जाता है उसकी, उसको उससे जब पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बायो रीमेडिटेशन, ठीक है। इंडिया का पहला जो बायोफ्यूल फ्लाइट थी देहरादून से दिल्ली चली थी, स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, ये सब तो नॉर्मल से क्वेश्चन है। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड कहाँ पे है, ये वाटरफॉल का, ये है चिल्का लेक। देखिए ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मेरे से कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, अप्रोप्रिएट जो भी आपके पास उसके प्रूफ हो कि वो वाला आपका जो क्लेम है वो ज़्यादा सही है, उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की यूनिट होती है ग्लोबल हेक्टेयर। अनुराधा शाहनी जो है ये फेमस एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट है इसमें RSPM के जो पार्टिकल होते हैं वो लेस देन होते हैं 2.5 माइक्रोमीटर। फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों को आप ये मतलब रिमूव करके, सी होना चाहिए यहाँ पे। फूड जो रफेज होता है वो जनरली न्यूट्रिएंट नहीं देता है, तो इसका आंसर है डी। ह्यूमन स्केलेटन में 206 हड्डियाँ होती हैं, जन्म के टाइम पे 270 होती हैं, फिर 206 हो जाती हैं। एंजियोग्राफी जो है आपकी किस चीज़ के लिए होती है, सभी के लिए होती है, आर्टरीज वेंस और हार्ट चैम्बर। देखिए ऐसी पिक भेजी गई है मुझे, वही मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है इसमें अगर डेली कंजम्पशन करेंगे अरेगन ऑयल का, तो ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट है। सेरीकल्चर क्या है, सिल्क वॉर्म, सिल्क को ही, जब सिल्क के प्रोडक्शन को ही समझ लीजिए आप, सेरीकल्चर बोलते हैं। बायो मैग्नीफिकेशन ये क्या होता है, अगर आपका इंक्रीज हो जाता है टॉक्सिकेंट्स का, ठीक है, तो 88 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाली पिक्स और बाकी सभी जो वीडियोस के अपडेट के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये किसकी वजह से होता है, नाइट्रेट है इसका आंसर। रॉकेट जो है वो किसके प्रिंसिपल पे, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो ये वाला तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल मेरे हिसाब से, 90 का ए ही होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी 90 का सी होना चाहिए यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है इसमें ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस ग्रेजुअली, ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है ये फिलामेंट जो होता है बल्ब का वो इवेपोरेट होता रहता है टाइम टू टाइम, इसीलिए इसका आंसर है ए। जीनेटिक डिसऑर्डर, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे, मेरे हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पे ये बी होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आंसर पता चल पाया, सी ओ डी तो नहीं होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है यहाँ पे। फिर ये कंप्यूटर एड और कंपेयर कौन करता है, CPU चिप करती है। फुल फॉर्म ऑफ ICMR क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि बी। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं फूड में प्रेजेंट, वो सारी की सारी चीज़ें करते हैं, प्रिजर्वेशन में भी हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन का जो है एक्शन उसको रिड्यूस कर देते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है पूछा है, तो ये पेस्टिसाइड जो है वो नहीं है, ठीक है, पेपर वेस्ट भी बायोडिग्रेडेबल है और बाकी सब भी हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, देखिए अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे ना रेफ्रिजरेटर के लिए तो यूज़ होते ही हैं, एयर कंडीशनर के लिए भी होते हैं, अब ए और सी तो है, तो इसलिए आंसर इसका डी होगा। माइक्रोवेव ओवन के लिए भी होते हैं, मैंने देख रहा था यूएस में साइट में, एक यूएस की साइट थी उसमें सब दिखा हुआ था, वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो माइक्रोवेव ओवन में नहीं यूज़ होते हैं ये, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो रेफ्रिजरेंट होता है ना, इसलिए तो, लेकिन यहाँ पे आंसर तो डी ही होगा, 98 का है इसमें डी होगा। कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट और सल्फो एल्यूमिनेट कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है ये पूछा है इसमें, यहाँ पे 99 में अगर आप देखें यहाँ पे ये वाला जो है मेरे हिसाब से इसमें कौन सा नहीं पूछा है ये,
इसमें तो कन्फ्यूज़न था शायद, हाँ इसमें कन्फ्यूज़न है, मेरे हिसाब से डी होना चाहिए शायद। और लास्ट वाला जो है फ्यूज़, फ्यूज़ वाले में आपका होगा सेफ्टी, सेफ्टी डिवाइस वाला है इसमें ऑप्शन। वैसे ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो इसलिए इसका डी है, 100 का डी है। तो दो तीन कन्फ्यूज़न थे, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, वरना ये पेपर है स्टेट पीसेस का। दूसरे स्टेट पीसेस का भी जो है वो मटेरियल सेम ही रहता है, इसीलिए देखिए हमारा जो एक प्रीलिम्स 2019 का ग्रुप है पेड, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट जीएस प्लस करंट अफेयर की जो तैयारी है वो उसमें कराई जा रही है। लेटेस्ट पूरा करंट अफेयर प्लस उसमें पूरी टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी, 15 टेस्ट सीरीज़ यूपीएससी की भी मिलेंगी, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कर लीजिएगा। 15 तो मैं बोल रहा हूँ, बल्कि और भी दूंगा अभी, 15 तो अभी 2 जून से पहले मिलेंगी, और भी काफ़ी सारी मैं टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ, करीबन 20-25 तक हो सकती हैं, और प्लस यूपी पीसीएस के लिए भी चल रहा है वो, दूसरे स्टेट पीसीएस के लिए भी चल रहा है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो हर स्टेट पीसीएस का होता है जीएस प्लस करंट अफेयर, वो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। करीबन 70-80% होता है हर स्टेट पीसीएस का जो पार्ट होता है प्रीलिम्स का, जीएस प्लस करंट अफेयर। तो प्री के लिए वो ग्रुप है, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, 7838692618 ये हमारे पेड ग्रुप के लिए इंक्वायरी का नंबर, या फिर डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बताइएगा आप कितने आपके इसमें इस की के हिसाब से आपके कितने आ रहे हैं 100 में से, ठीक है। तो उसमें कट ऑफ निकालने में आसानी हो सकती है।